हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं राजमा चावल। हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बनाते हैं राजमा। राजमा और उड़द दाल मैंने भिंगा लिया है, देखिए दोनों उड़द दाल खड़ा है। चलिए इसको पूरी रात हमने भिंगा के रखा है, अब चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग गैस को करते हैं ओपन। अब हम लोग इसमें डाल देंगे पूरे अपने राजमा और उड़द। अब इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। देखिए मैंने इस कप से बड़े कप से 2 कप पानी इसमें डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें मैं डालूंगी, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं देखिए इसमें 1 स्पून नमक डालूंगी और कुकर की लिड लगा दूंगी। मैंने लिड लगा दिया है। अब इसको हम लोग कम से कम 5 मिनट आने तक फुल फ्लेम पे बनाएंगे, उसके बाद कम कर देंगे मीडियम टू लो। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं इसमें 3 स्पून तेल डाल रही हूँ। और इसके अंदर हम लोग डालेंगे जीरा, जो कि अब हमें राजमा की मसाला बनाना है। इसलिए देखिए मैं 1 टेबल स्पून के लगभग जीरा डाल दूँगी इसके अंदर और थोड़ी सी डालेंगे हींग। देखिए इसमें 2 मैंने प्याज काट के रखा है, अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। देखिए मैं डाल दूँ इसके अंदर, इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ लहसुन अदरक। देखिए मैंने इसमें क्रश करके रखा है, 8 से 10 मैंने कलिये ले लिए थे लहसुन का, थोड़ी सी अदरक था मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, खट्टा होना चाहिए हल्का हो इसका। अब इसमें हम लोग सॉटे करने 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हम लोग डालेंगे रेड चिली, यही है इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डालें। 1/2 मैं डालूँगी धनिया पाउडर, थोड़ी सी पानी, देखिए फ्रेंड्स ये घर की दही है, मैं 1 टेबल स्पून इसमें दही डाल दूँगी और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा दही भी इसके अंदर फेट गया है। चलिए हम लोग इसको अच्छा से भून लेते हैं मसाला, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग भूनेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग चेक कर लेते हैं अपना राजमा। राजमा को चेक करके हम लोग देखेंगे, राजमा बिल्कुल मेरा गल चुका है। देखिए ये मेरा राजमा रेडी है, अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे मसाले में। देखिए फ्रेंड्स मैं मसाला ट्रांसफ़र करूंगी कुकर के अंदर। देखिए इसको अच्छे से आप ट्रांसफ़र कर लो सर। इसमें डालने के बाद जो है अब हम लोग डालेंगे इसमें पानी, मैं जो कि पानी उबाल के रखी हूँ। इसको अच्छे से मैं हल्का सा ग्रेवी लगाऊंगी इसके अंदर, जो कि मुझे चावल के साथ खाना है, इसलिए मुझे सिर्फ 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी ये गीला है। देखिए कुछ ग्रेवी इसके अंदर है, हम लोग 1 कप पानी डालेंगे कढ़ाई के अंदर। देखिए फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई धो करके भी पानी इसमें डाल दिया है, जो कि मसाला और तेल उसके अंदर लगा हुआ था। देखिए बस मुझे इतने ही पानी इसके अंदर चाहिए, नमक भी सही है इसका, सब कुछ मैंने देख लिया। अब चलिए अब इसका हम लोग लीड लगा देते हैं 1 सीटी आने तक। उसके बाद जैसे ही 1 सीटी आएगा हम लोग गैस को बंद कर देंगे, कोई रहने का ये नहीं होता है। देखिए कितना टेस्टी बना है ये, आप भी इसको अपने घर पे ट्राई करें। मैंने यहाँ पे 3 पाउच चावल ली हूँ, अब इसको मैंने वॉश करूँगी खूब अच्छे तरीके से, इसके बाद हम लोग चावल के अंदर कुकर के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं जीरा राइस। देखिए इधर मैं 1 टेबल स्पून घी डाली हूँ, घी को मेल्ट करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी है ये साइज जीरा, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दूँगी मैं तेजपात की पत्ते, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चावल को धो ली हूँ, लॉन्ग राइस है देखिए ये। चलिए इसको अब हम लोग कुकर के अंदर डालेंगे। जीरा और तेजपात के पत्ते चटक गए हैं,
थोड़ी थोड़ी हम लोग चावल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। देखिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग चला लेंगे। इसको ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो पुलाव बना नहीं रहे, हम तो जीरा राइस बना रहे हैं, इसलिए पुलाव रहता है तो ज़्यादा इसमें तेल जाता या घी या रिफाइन, आप जिस चीज़ से आप बनाना चाहें बन जाएगा। मैंने 2 टेबल स्पून घी ले रखा था। देखिए बिल्कुल हाफ है, हाफ से भी कम है ये, क्योंकि ये 700 ग्राम चावल है इसलिए हम उसी हिसाब से पानी भी डालेंगे। 1.5 कप पानी हो गया, 1 कप और डाल, देखिए 1 कप और डालेंगे इसमें। अरे फ्रेंड्स 1 कप और डालते हैं इसमें हम लोग पानी। मेरे पास 700 ml चावल है, ये 700 ग्राम चावल है तो हम उसी हिसाब से पानी डाले हैं इसके अंदर। और अगर आप नहीं चेक कर पाए तो आप उंगली को पूरे अच्छे से धो लें हाथ को, उसके बाद आप ऐसे चेक कर सकते हैं। पानी अगर इतना आ जाएगा तो आप कुकर की लिड लगा दो। जैसे ही हल्का सा सीटी की तरह आवाज़ आने लगेगी कुकर से तो हम लोग गैस को बंद कर देंगे, वरना चावल गीला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मेरा चावल बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितना ये अच्छा लग रहा है, देखने में भी खिला खिला चावल। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं।